सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। हेलो डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर श्रीकांत वर्मा एमबीबीएस एमडी नॉट मी, स्वागत करता हूं आप सभी का कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेटेड सेशन ऑफ एनाटॉमी में, जहां पर हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जहां हम ब्रेनस्टॉर्मिंग फैक्ट्स देते हैं, जहां हम डिफरेंट सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करते हैं रिसेंट पैटर्न में, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हर चीज का कॉन्सेप्ट प्रॉपर बनता है फ्रॉम द बेसिक टू द टॉप लेवल। और आप इस लाइन बनते हैं कि चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, चाहे वो थ्योरी एग्जाम हो, चाहे वो एमसीक्यू एग्जाम हो, चाहे नीट पीजी या फिर आपका आईएनआईसी या फिर एफएमजी एग्जाम, यूएसएमएल प्लेप, कुछ भी, यू विल बी एबल टू क्रैक। याद रखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली डैम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक एनी काइंड ऑफ एग्जाम पैटर्न। ओके, तो इन चीजों के साथ हम अपने इस थ्री डायमेंशनल एनाटॉमी की बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारी जो क्रैनियल कैविटी है, इसकी जो आर्टेरियल सप्लाई थी वो कौन सी थी? यस, बहुत ही सुंदर तरीके से टोनी स्टार्क की तरह हमने हर चीज को देखा था। हमने देखा था, यस, द कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज द मेन आर्टरी सप्लाइंग द हेड नेक फेस एरिया। इसकी दो ब्रांचेस हमने देखी थी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नली रन कर रही थी, हमारी क्रैनियल कैविटी के बाहर बाहर जा रही थी, जबकि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, यू कैन सी दिस इज अवर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये हमारी क्रैनियल कैविटी के अंदर जा रही थी और वहां जाकर के सर्कल ऑफ विलिस बनाने में पार्टिसिपेट कर रही थी। राइट नाउ हम यहां पर देखने जा रहे हैं कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की टोटल 8 ब्रांचेस होती है। यस, द 3 एंटीरियर ब्रांचेस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। सो व्हेन यू विल ऑब्जर्व दीज आर्टरीज, दिस इज अवर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो इसकी पहली ब्रांच जो यहां पर ऑब्जर्व आप कर सकते हैं, देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ जा रही है। यस, हियर इज अवर द फर्स्ट विजिबल आर्टरी। ओके, सो दिस आर्टरी इज गोइंग टुवर्ड्स अवर थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड को ऊपर से सप्लाई कर रही है, इसलिए इस आर्टरी का क्या नाम देंगे? यस, इट विल बी अवर सुपीरियर थायराइड आर्टरी। Right to understand? This 41st edition में लिखा हुआ था, the first branch of the external carotid artery, superior thyroid artery. बीड चौरसे सर ने भी इस चीज को लिखा, but brainstorming fact I am giving to you, 42nd edition of the our Gray's Anatomy, it is clear cut writing that superior thyroid artery is not the first branch, but ascending pharyngeal artery, which is the only medial branch of our, yes, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, दिस इज द फर्स्ट ब्रांच। यही चीज हमारी कनिंगम के नॉट में लिखती है और जितने भी सर्जिकल चीजें हैं, यस, ईएनटी में जो सर्जरी के प्रोसेस है उसने भी यही चीज लिखा है। सो डोंट गेट कंफ्यूजन, सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज नॉट द फर्स्ट ब्रांच अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट 42nd एडिशन ऑफ द ग्रेज एनाटॉमी। यस, रिमेंबर द असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी, द ओनली मीडियल ब्रांच इज द फर्स्ट ब्रांच। और कौन कौन सी एंट्री ब्रांचेस है? टोनी स्टार्क की तरह, आयरन मैन की तरह हम सोचते हैं, समझते हैं, कैन यू सी दिस अनदर आर्टरी, ये आगे की तरफ, चेहरे में आगे की तरफ आ रही है, ये अगली ब्रांच है, फोकस फॉर दिस आर्टरी। ये जो आर्टरी है, यस, यू कैन सी इट इज गोइंग इनसाइड द मैंडिबल, और यहां पर कौन है? ये है हमारा टंग, सो इट इज सप्लाइंग द टंग। तो ये कौन सी आर्टरी है? दिस इज अवर लिंगुअल आर्टरी। और फिर अगली ब्रांच हम ऑब्जर्व करते हैं टोनी स्टार्क की तरह, आयरन मैन की तरह। यस, हियर यू कैन सी द नेक्स्ट आर्टरी, दिस इज अवर, यस, जिगजैग आर्टरी विच इज रनिंग ओवर द फेस। दिस इज अवर फेशियल आर्टरी, द मेन आर्टरी ऑफ द फेस। ये हमारे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकली और फिर इंफीरियर एंगल ऑफ द मैंडिबल को वाइंड करते हुए, कैन यू सी इंफीरियर एंगल ऑफ द मैंडिबल को वाइंड करते हुए ये ऊपर की तरफ जिगजैग कोर्स के साथ रन कर रही है। एमसीक्यू, दिस इज द टॉर्चस आर्टरी। एमसीक्यू, दिस इज द एनेस्थेटिस्ट आर्टरी, क्योंकि एनेस्थेशिया में डॉक्टर्स इसको फील करते हैं, बीपी, पल्स, इनका आइडिया ले लेते हैं। ऑल्सो रिमेंबर, दिस फेशियल आर्टरी इज द मेन आर्टरी फॉर द टॉन्सिल। ये टॉन्सिल ब्रांच ऑफ द, यस, फेशियल आर्टरी देती है। रिमेंबर द फेशियल आर्टरी की एक ब्रांच जो टॉन्सिल को देती है, यही सबसे मेन आर्टरी होती है, दैट इज द टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ द फेशियल आर्टरी। यस, ये आर्टरी जाती है और आप देखेंगे कि ये नीचे वाले होंठ को ब्रांच दे रही है। दिस इज योर
इंफीरियर लेबियल आर्टरी, फिर ऊपर वाले होंठ को ये एक ब्रांच देती है, इसको हम कहेंगे सुपीरियर लेबियल आर्टरी, फिर उसके बाद ये नाक को लैटरल साइड से ब्रांच देती है, इसको हम कहेंगे लैटरल नेजल आर्टरी, और फिर ये एंगल ऑफ द आई के पास आकर के खत्म हो जाती है, इसको हम कहेंगे एंगुलर आर्टरी। सो दीज आर द थ्री एंट्री ब्रांचेस। एक बार और रिवाइज करते हैं कि कौन कौन से तीन एंट्री ब्रांच है। इमेजिन कीजिए गले में यहां पर आपका थायराइड ग्लैंड है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ऊपर जब आते हैं तो टंग है, लिंगुअल आर्टरी, ऊपर आते हैं फेस है, फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, यस ये आर्टरी जिगजैग होते हुए आ रही है, इंफीरियर एंगल ऑफ द मैंडिबल को वाइंड कर रही है, इन फ्रंट ऑफ द मैसेटर ये पालपेट होती है, इसीलिए इसको एनेस्थेटिस्ट आर्टरी कहते हैं। यस इट इज सप्लाइंग द लोअर लिप, इंफीरियर लेबियल आर्टरी, ऊपर गई ऊपर वाला होंठ आ गया सुपीरियर लेबियल आर्टरी, नाक आ गया इसे सप्लाई करेगी लैटरल नेजल आर्टरी, और फिर उसके बाद एंगल ऑफ द आई आ गया, एंगुलर आर्टरी इज द ब्रांच। सो दीज आर द अवर थ्री एंट्री ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो एक बार फिर से आपके लिए कुछ मोटिवेटिंग लाइंस इस सेशन की, जैसा कि हमेशा हम कहते हैं वही लाइन फिर से आपके लिए, एक रास्ता है जिंदगी, तो थम गए तो कुछ नहीं, एक कदम किसी मुकाम पर जो जम गए तो कुछ नहीं, तो चलते रहिए बढ़ते रहिए, क्योंकि चलते रहने का नाम जिंदगी है। ऑल द बेस्ट। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स इज हैविंग द राइट कोच। गेट द बेस्ट एजुकेशन विद डॉक्टर श्रीकांत वर्मा क्लासेस एंड मेक यू MBBS Next NEET PG dreams come true. Download the app now.